टू माई चैनल टेक राजपूत। मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज की वीडियो होगी वो होगी विंडोज़ 10 के जो लेटेस्ट अपडेट जो अभी तुरंत ही आया हुआ है। कल ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो अक्टूबर 2018 का ये जो है मेजर रिलीज़ है। तो इसका जो अपडेटेड वर्जन है, इसका नंबर है, इसका कोड जो है वो 1809 है। ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से फीचर जो है इस अपडेट में आए हुए हैं। और देखिए भैया, इसमें काफ़ी फीचर्स आ रखे हैं, ढेर सारे फीचर हैं इसमें, अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सारी फीचर्स का एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा रियल टाइम में, बिल्कुल यहाँ पे मैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे नोटपैड पे अपना मैंने इसको सुबह ही इंस्टॉल कर लिया है अपडेट्स को। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो व्यू अपडेट हिस्ट्री में मैंने खोल रखा है कि अपडेट हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन 4 अक्टूबर को। ठीक है, और इसका वर्जन 1809 दिखा रहा है, तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इसके फीचर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने पहले यूट्यूब वगैरह खोला, उसमें देखा कि मैंने फीचर्स मुझे दिख जाए एकदम से, तो मैं अच्छे से पता चल जाएगा मुझे, लेकिन मुझे दिखा नहीं। तो मैंने खुद से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर एक्सप्लोर किए इसके, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला फीचर मैं आपको दिखाऊंगा उसका नाम है विंडोज़ सर्च प्रीव्यू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम पहले भी सर्च पर जाते थे, ठीक है, तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि सर्च बॉक्स जो इनका विंडोज़ सर्च है वो काफ़ी इन्हांस्ड कर दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल लुक एंड फील सारा कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा विड्थ भी इसका बढ़ गया है यहाँ पे, और सारे चेंज हो गए हैं। बाकी जो मेन चीज़ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप सर्च करते हो यहाँ पर वर्ड, ठीक है, तो देखिए आपने वर्ड सर्च किया तो ये इसका प्रीव्यू भी साथ में ही दिखाएगा। यहाँ पे ओपन करना, रिसेंट फाइल्स वगैरह सारा कुछ यहीं पे दिखा देगा आपका। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपने टाइप किया पावर पॉइंट, ठीक है, तो इसके प्रीव्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो होने लगे। तो ये है कि पहले सिंपल सर्च था, अब इन्होंने बिल्कुल उसको इन्हांस्ड कर दिया है, बहुत सी तरीके से इन्हांस्ड कर दिया है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे हम सारी चीज़ों को। मैं आपको लुक एंड फील्स वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एप्लीकेशन इन्होंने नया बनाया, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी कुछ देर में। ये तो इनका मतलब बेहतरीन फीचर है। चलिए ठीक है, तो मैं जैसा कि आपको मैंने विंडोज़ सर्च के बारे में बता दिया कि विंडोज़ सर्च में कैसी चीज़ें आई हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कोई भी चीज़ यहाँ पे आप सर्च करोगे, मान लो सेटिंग्स वगैरह, तो सारा कुछ इन्होंने इन्हांस्ड कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो अब अच्छा लगेगा आपको सर्च करने में। देखिए, सर्च वाली फंक्शनलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि सारा काम तो देखिए सर्च के हिसाब से होता है। अगर आप हाई प्रोफेशनल यूज़र हो तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक यूज़र होते हैं वो सारा काम जो अपना सर्च बॉक्स से करते हैं, कुछ भी होता है वो यहाँ टाइप करते हैं और उससे वो जाते हैं। तो अगर आपको सर्च करो और सर्च बॉक्स से ना मिल पाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, इसलिए इन्होंने सर्च बॉक्स को काफ़ी इन्हांस्ड कर दिया है। तो देखिए, ये पहला फीचर स्टार्ट। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा, फॉन्ट साइज की ओर। ठीक है, तो देखिए फॉन्ट साइज में क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सर्च बॉक्स में ही फॉन्ट साइज सर्च करूँगा, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हम सर्च बॉक्स से ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज सर्च किया, तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है मेक टेक्स्ट साइज बिगर। ठीक है, साथ में यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें पहले नहीं थी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है वो 100% का होता है। तो देखिए अभी सारी जो फॉन्ट वगैरह है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो सपोज आपको इसको बढ़ाना है, अब देखिए इसको बढ़ाने का ये फ़ायदा है, सपोज मैं इसको कर लेता हूँ 150। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे टेक्स्ट वगैरह भी साइज बढ़ रहे हैं। मैंने इसको किया अप्लाई। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं इसके रिफ्लेक्ट। इसके चेंजेस थ्रू आउट द कंप्यूटर हो जाएंगे। देखिए मेरे ये जो नोटपैड, इसका जो है नोटपैड है, इसका भी साइज बढ़ गया है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि जितनी भी जगहें हैं जहाँ पर फॉन्ट का यूज़ होता है, देखिए यहाँ पर भी साइज बढ़ गए हैं। आपका फाइल मैनेजर में भी साइज बढ़ गया है, हर जगह पर इसका साइज बढ़ गया। इनफैक्ट आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी जो है फॉन्ट साइज़ वगैरह सब आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा फॉन्ट साइज की बात है। चलिए मैं इसको फिलहाल छोटा कर लेता हूँ, वरना काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है मुझे। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ उसे छोटा। देखिए कितना बड़ा बड़ा सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों को थोड़ी देखने में परेशानी है या और भी कई रीज़न है, उनके लिए ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे फीचर की ओर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको सारे फीचर बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो देखिए, तीसरा फीचर जो है वो टास्क मैनेजर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। देखिए, ये अच्छी बात है बिल्कुल। अब देखिए, मैं चलता हूँ टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए, अगर आपको देख के पता चल जाए तो आप बताना। वैसे मैं आपके सामने टास्क मैनेजर खोल रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा टास्क मैनेजर, और इसे मैंने खोल लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो प्रोसेसेस के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता ना चल पाया हो तो देखिए, यहाँ पे पावर यूजेस का है एक नया कॉलम ऐड हुआ है। यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा जो प्रोसेस है आपका कितना पावर यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। ये इनका बिल्कुल इसी रिलीज़ में आया है। ठीक है, ये पहले नहीं था। तो ये देखिए, ठीक है, यूजर्स पे है, जिनकी ज़रूरतें उनके हिसाब से है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फीचर हो गया। अब चौथा चलते हैं, योर फ़ोन। देखिए दोस्तों, योर फ़ोन में क्या है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन नया बनाया है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने इसको चला के देख लिया, काफ़ी ठीक है। देखिए, एक ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन इनके विंडोज स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो क्या होगा कि आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जब इसको लॉगिन कर लोगे तो क्या होगा कि आपको ये बोलेगा कि अपना आप नंबर इनपुट करो। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर इनपुट करोगे तो क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक सेंड करेंगे। उस लिंक का यूज़ करके आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है योर फ़ोन कंपेनियन ऐप। ठीक है, तो मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। मैंने इसको मतलब बिल्कुल सारा कुछ करके देख लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने भी दिखाऊंगा मैं। वैसे मैं फ़ोन का तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी मुझे स्क्रीन की, अगर हो पाए तो वो भी कर लूँगा मैं। तो वहाँ से आपको लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा जिसका नाम है योर फ़ोन कंपेनियन ऐप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ भी सेम चीज़, वहाँ से भी आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना होगा। जब आप दोनों जगह पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका लिंक। ठीक है, अब हम मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर की चीज़ क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 5 है। तो रेडमी का यहाँ पर लोगो बना आ रहा है, और इसमें देखिए दो चीज़ें आई हुई है अभी। एक तो ये कि आप अपने रिसेंट फोटो जो भी आप मोबाइल पर क्लिक करते हो वो डायरेक्टली यहाँ पर देख पाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे जो फोटोज़ हैं यहाँ पे विजिबल हैं। ये मैंने मेन्यू का फ़ोटो खींचा था, तो यहाँ पे विजिबल हैं। ठीक है, और दूसरा कि आप टेक्स्ट मैसेजेस यहीं पे गेट कर सकते हो और यहीं से भेज सकते हो। ये देखिए, ये कुछ ऐसा एक ऐसा मैसेज आएगा आपको जब पहली बार आप योर फ़ोन ऐप इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप पर। तो पहली बार ये ऐसा एक मैसेज सेंड करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर। तो आप इस लिंक पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है योर फ़ोन कंपेनियन ऐप। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें लिंक हो जाएंगी, उसके बाद ही आप अपने फ़ोटोज़ जो है यहाँ से देख पाओगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे फ़ोन के फ़ोटोज़ हैं ये। और रहा सवाल कि टेक्स्ट मैसेज, ये देखिए, अब यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी यहीं विजिबल है, और यहीं से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, यहीं से मैं किसी को नया टेक्स्ट भेज सकता हूँ। ठीक है, हालाँकि इसमें सिम कैसे सेलेक्ट करना है, सिम 1 2, ये अभी मुझे पता नहीं चला है, ये मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करूँगा इसको। ठीक है, तो ये तो रहा भैया योर फ़ोन ऐप के बारे में। और मैं इसका एप्लीकेशन, ठीक है, इसके एप्लीकेशन में ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बस आप इसके एप्लीकेशन को जब ओपन करोगे तो वहाँ पर लिखा आएगा योर फ़ोन एंड PCR लिंक्ड, जब एक बार अच्छे से लिंक हो जाएगा। देखिए, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, एक दो बार फंसता है ये स्टार्टिंग में, मेरा भी एक बार फंसा था, तो मैंने बंद करके योर फ़ोन ये वाला जो एप्लीकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको बंद करके मैंने फिर से ऑन करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, फिर कनेक्ट हो गया था, इजीली कनेक्ट हो गया था। फिर ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ये ध्यान रखना आप कि आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, मोबाइल फ़ोन पर, तो वो चीज़ दोनों चीज़ें लिंक हो जाएंगे। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं फ़िलहाल, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा है वो डार्क थीम ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने डार्क थीम इनेबल किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने डार्क थीम इनेबल किया हुआ है, लेकिन ये तो पहले भी थी ये चीज़। अब आता है कि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये डार्क थीम कैसा दिखता है। देखिए, ये मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोला, ये देखिए दिस PC खोला मैंने, ये मेरा PC है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले ये चीज़ें फाइल एक्सप्लोरर के अंदर इनबिल्ट नहीं थी, अब देखिए इन्होंने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी कर दिया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक और वाइट का, पहले देखिए वाइट था बिल्कुल, अब इन्होंने बिल्कुल ब्लैक कर दिया। ये चीज़ देखिए इनेबल करना है, ऐसा नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट है। चलिए मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे करना है टाइप डार्क थीम। ठीक है, डार्क थीम सेटिंग जब ऑन करोगे आप तो देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए डार्क थीम सेटिंग जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्प्ले शो होगा आपके सामने। इसमें देखिए कलर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है, मैं चलता हूँ इसके नीचे, और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड। तो देखिए स्टार्टिंग में मेरा बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड था, तो जिसमें कि आपको ऐसा सारा बैकग्राउंड दिखाई देता है, ठीक है, वाइट कलर वाला। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे डार्क मोड,
तो यहाँ से आपको डार्क मोड सेलेक्ट करना है। अब देखिए अप्लाई वगैरह करने का झंझट नहीं है, अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डार्क मोड, और इससे आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी ये चीज़ें अब हो गई हैं एक्सेसिबल। अब जो भी आपको करना है आप करते रहो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा फीचर। अब चलते हैं फोकस टेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए ये जो फीचर है फोकस टेक्स्ट वगैरह, ये चीज़ें आती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट इज के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब मैं चलिए यहाँ पे कुछ खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ भी खोल लिया, लेटेस्ट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। ठीक है, मैंने कोई भी मतलब मैं सिंपल आपको एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, कोई सा भी एक पोस्ट खोल के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने खोल लिया, तो आपको पहले किसी एक पोस्ट को खोल लो। ठीक है, मैंने एक पोस्ट को खोल लिया यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीचर्स, ये जो मैंने आपको बताया कि क्या था फोकस टेक्स्ट वगैरह, ये कैसे चीज़ें काम करती है, मैं आपको दिखाने के लिए ये ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए आपको करना पड़ेगा रीड मोड। ठीक है, रीडिंग व्यू इनेबल। एक बार आप रीडिंग व्यू इनेबल कर लोगे उसके बाद आपको जाना है। ठीक है, जैसे ही आपका रीडिंग व्यू इनेबल हो जाएगा आप कुछ ऐसे दिख पाओगे। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल रीड मोड के लिए ही बना हुआ है सिर्फ ये। ठीक है, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, सिंपल रीड करने के लिए दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, लर्निंग टूल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रीडिंग प्रेफरेंसेस दिखाई देगा एक ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन फोकस, सॉरी वो लाइन फोकस था। तो आप इसको जब इनेबल कर लोगे तो देखिए कुछ लाइंस जो है इसके फोकस हो पाएंगे। अब मुझे इसका ज़्यादा यूजेस अभी तक नहीं पता चला है, बट जो भी ये नया फीचर है तो मैंने आपको इसको दिखा दिया, अगर आप इसका यूज कर पाओ तो देख लेना। और देखिए मैं इसके थोड़े से और फीचर भी बताता हूँ, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग वगैरह है, तो आप इसको अपने हिसाब से टेक्स्ट स्पेसिंग देके इसको ऑन करोगे तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया टेक्स्ट के बीच में। तो रीडिंग मोड में इनके मैंने भी देखे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ग्रामर टूल्स भी है, ये देखिए ये नया है बिल्कुल, जब इसको आप पहली बार ग्रामर टूल्स में क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा एक एप्लीकेशन जिसका नाम होता है, ये मैंने इस पर क्लिक किया था तो एक इन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, उसके बाद ही ये सारे फीचर्स यहाँ पे इनेबल हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे सिलेबल को ऑन कर सकते हो, सिलेबल ऑन करोगे तो क्या होगा, जैसे आप प्रोनंसिएट करते हो उसके साथ, देखिए विंडोज ये देखिए सिलेबल वगैरह हो गया। यहाँ से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के देखिए नाउंस वगैरह, वर्ब्स वगैरह, एडजेक्टिव्स वगैरह जो है अपने हिसाब से कर लोगे। देखिए जो नाउंस होंगे वो ऐसे ऐसे कलर में विजिबल होंगे, जो वर्ब्स होंगे ऐसे कलर में विजिबल होंगे, एडजेक्टिव देखिए यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कि उसके हिसाब से देखिए पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इनसे। ठीक है, तो ये रीड मोड हो गया इसका। तो चलिए रीड मोड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारा क्लाउड कीबोर्ड, क्लिपबोर्ड। दोस्तों देखिए ये तो मतलब बेहतरीन फीचर है इसका, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को कॉपी किया, ठीक है, हमने चलिए वर्ड को खोल लेते हैं, पहले वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले आपने किसी चीज़ को कॉपी किया, इनफैक्ट वर्ड खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने फ़ॉन्ट साइज को पहले कॉपी किया, ठीक है, और उसके बाद मेरा मन बदला और मैंने टास्क मैनेजर को कॉपी किया। अब पहले क्या होता था कि आप जो भी मतलब सबसे लेटली करने का मतलब जो बिल्कुल प्रीवियसली जो आपने कॉपी किया होता था वही चीज़ें पेस्ट हो पाती थी। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी बिल्कुल हिस्ट्री मेंटेन होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें कॉपी की है। तो उससे क्या होगा कि आप मान लीजिए दूसरी बार तीसरी बार मतलब पिछली बार जब भी आपने कभी कॉपी किया होगा उसकी हिस्ट्री मेंटेन होगी, तो आप उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको दबाना है विंडो प्लस वी, ठीक है, विंडो प्लस वी दबाना है आपको। अब देखिए विंडो प्लस वी दबाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके का डिस्प्ले पॉपअप खुलेगा जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मेंटेन होती रहती है, यहाँ पे सारी हिस्ट्री मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये देखिए मैं जब इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने किया कि इमेजेस इसके स्टोर करता है या टेक्स्ट स्टोर करता है, ये चलिए देखते हैं। मैं आपको टेक्स्ट स्टोर करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने एक नया फाइल ले लिया, इसमें मैंने कुछ भी लिखा और इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर, वो देखने के लिए आपको दबाना है विंडोज़ प्लस वी। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कॉपी।
अब देखिए दोस्तों, ये जब स्टार्टिंग में, देखिए मैंने तो इसको काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है ना, आप जब स्टार्टिंग में इसको विंडो प्लस वी दबाओगे तो आपको ये क्लिपबोर्ड जब खुलेगा तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होगा, आपका जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री जो है वो इनेबल नहीं होगा, तो आपको ऑन करना होगा वहाँ से, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। अब आपने जैसा कि देखा कि यहाँ से ये देखिए मैंने टास्क मैनेजर को कॉपी किया था, उसके बाद ये किया था, तो आप जैसे मान लो आपने ये कॉपी कर लिया, योर फ़ोन कॉपी कर लिया, तो देखिए पहले क्या होता था कि आप योर फ़ोन को ही कहीं पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, उससे पहले जो चीज़ें आपने कॉपी की है वो पेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो अब आप वो भी कर सकते हैं। आपको फिर से ऑन करना है क्लिपबोर्ड, यहाँ जाना है और यहाँ से आपको कर लेना है इसको कॉपी, ठीक है, तो उसके बाद आप कर पाओगे उसको पेस्ट। तो और अगर मैं आपको बातें बता दूँ इसकी, तो इसमें देखिए ये आपका, फिर से ऑन कर लेते हैं इसको, ये देखिए टेक्स्ट मैंने स्टोर करा के आपको दिखा दिया। आप क्या कर सकते हो कि आप इमेजेस वगैरह भी इसमें कर सकते हो, जैसे इमेजेस किसी भी इमेज को आप कॉपी करोगे तो अपने आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है, तो इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये क्लाउड पर सिंक होता है, तो आप एक जगह पर आप सिंक करोगे, अपने विंडोज़ फ़ोन पर भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, तो ये सिंक होता है। और दूसरी बात मैं इसकी और एक फीचर आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जब आप पिन के ऊपर जाओगे तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, कीप एन आइटम इवन वेन यू क्लियर योर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री और री स्टार्ट योर पीसी, ठीक है, तो यहाँ से जब भी आप इसको, अगर मान लीजिए आपने पिन कर दिया इसको एक बार, तो ये जब आपको फ़ोन, जब आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करोगे उसके बाद भी ये चीज़ आपकी दिखाई देते ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है फ्लश हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या होता है, जो आपकी कॉपी हुई कर रही हुई कंटेंट होती है वो रीस्टार्ट करने के बाद उड़ जाता है, लेकिन आप एक बार आपको इसको पिन करना होगा, उसके बाद ये जो है वो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा, जब तक आप इसको अनपिन नहीं करोगे तब तक ये स्टोर रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप इसको खुद से एक्सप्लोर करके देख लेना जैसे ही आप अपडेट कर पाओ। हाँ, और अपडेट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जैसे है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं हो रहा, मैंने खुद से इसको अपडेट किया है, तो आज सुबह ही मैंने इसको अपडेट पर लगा दिया था, तो कम से कम एक डेढ़ घंटे का टाइम इसने आसपास लिया है बिल्कुल अपडेट होने में, उसके बाद मैं जो है इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं वो आएंगे अगले वीक से आएंगे शायद, तो अगर आपको मैनुअली अपडेट करना है तो आपको पता ही है कहाँ जाना है, आपको जाना है सर्च बॉक्स पे, वहाँ टाइप करना है चेक फॉर अपडेट, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे आपको जाना है यहाँ पे विंडोज़ सर्च में, आपको करना है यहाँ पे चेक फॉर अपडेट, ठीक है, जैसे ही आप चेक फॉर अपडेट करोगे ये चीज़ खुल के आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपको करना होगा, देखिए मेरे केस में तो यू आर अप टू डेट है, आपके केस में वो करेगा चेक फॉर अपडेट, तो आप यहाँ से करना चेक फॉर अपडेट और वो हो जाएंगे सारे अपडेट हो जाएंगे इंस्टॉल, तो उसमें लगेगा कम से कम डेढ़ दो घंटा, आप आराम से कर लेना अपडेट, उसके बाद आप ये सारे फीचर को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, हमने कर लिया था क्लिपबोर्ड तक कवर, अब मैं चलता हूँ आपके आठवीं फीचर की ओर जिसका नाम है स्निप एंड कैप्चर। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, पहले आपको पता होगा कि हमारे पास था स्नाइपिंग टूल, ठीक है, तो हम क्या करते थे, स्नाइप किया करते थे किसी भी चीज़ को, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, इसमें क्या आप किसी भी चीज़ को काट सकते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाते थे। आप देखिए यहाँ पर लिखा रहा है स्नाइपिंग टूल इज़ मूविंग इन अ फ्यूचर मोड, स्नाइपिंग टूल विल बी मूविंग टू अ न्यू होम, ट्राई इम्प्रूव, ठीक है, तो स्नाइप एंड कैच आ गया, अब स्केच आ गया, ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या फीचर्स हैं। तो देखिए ये बिल्कुल नई चीज़ है, बिल्कुल इसी अपडेट में आई है, ठीक है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको कैसे चलाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पे, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे आप किसी भी चीज़ को काट पाओगे, मैंने इसको कर लिया तो मैंने इसको काट लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ, देखिए मैं अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकता हूँ, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अलग अलग तरीके से आप इसको देखिए यहाँ पे एडिट कर पाओगे, ये इरेजर है, यहाँ से इरेज भी कर पाओगे, ठीक है, ये स्केल है यहाँ से, ठीक है, ये क्रॉप करने का ऑप्शन है, क्रॉप करके आप राइट क्लिक पे कर दो ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ये क्रॉप वगैरह हो गया। स्नाइप एंड कैप्चर के बारे में या स्नाइप एंड स्केच के बारे में, अब इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा फोकस असिस्ट सेटिंग। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसका क्या फीचर है। देखिए फोकस असिस्ट, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे फोकस असिस्ट, ठीक है, तो एक सेटिंग खुल के आएगी सामने, इसको आप ओपन कर लो।
तो फोकस असिस्ट में आपको देखिए फिलहाल ऑफ है मेरा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका फीचर क्या है, चूज विच नोटिफिकेशन यू वुड लाइक टू सी एंड हियर सो यू कैन स्टे फोकस्ड। देखिए क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं तो इधर उधर से नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, तो इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है जिसमें आप क्या कर पाओगे कि आप इसको फोकस असिस्ट को जब ऑन कर लोगे तो ये सारे नोटिफिकेशन वगैरह अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ पर फोकस कर पाओगे, या आप इनेबल कर लेना, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, तो मैंने आपको बता दिया आपके फ़ायदे के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्टॉप ऑटो प्ले इन इज़। अब देखिए इसका क्या मतलब है, उसको कैसे इनेबल करते हैं। देखिए हम किसी भी साइट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वीडियोस वगैरह जो है अपने आप ही चलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उन केसेस में क्या है कि वो काफ़ी जो है अननोइंग होता है, तो उसको बंद करने के लिए इन्होंने एक अच्छा फीचर दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर शो साइट इन्फॉर्मेशन पर, यहाँ पर क्लिक करके आप चले जाओगे मीडिया ऑटो प्ले सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीडिया ऑटो प्ले में जो हो रखा है अलाउ हो रखा है बाई डिफॉल्ट, आप इसको कर सकते हो ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ब्लॉक। तो इसके बाद क्या है कि कोई भी वीडियो जो है अपने आप ही ऑटो प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो हो या ऑडियो हो, जो मीडिया है कोई भी, वो ऑटो प्ले नहीं होगा। तो इससे क्या है कि आप जो सर्फिंग है आपका सर्फिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो पाएगा। तो देखिए ये कुछ फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ आया, टाइम लाइन फॉर टास्क व्यू, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने टास्क व्यू की ओर, और वहाँ से मैं टाइम लाइन के हिसाब से देख सकता हूँ। देखिए मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताया मैंने अभी आपको, ये एज वगैरह खोला नाउ, ठीक है। ये सेप्टेम्बर, ये देखिए ये अर्लियर टुडे मैंने ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह पढ़ रहा था कि क्या क्या रिलीज़ आया, मैंने कहा हर तरफ से पढ़ लूँ, क्या पता कुछ नया ही सीखने को मिल जाए, ठीक है। 25 सितंबर को, ये अपने हिसाब से आप पीछे जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्च वगैरह किया था, ठीक है। तो ये टाइम लाइन है टास्क व्यू का, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ऑन कर लेते हैं अपना स्टिकी नोट, ठीक है। अब आया देखिए भैया इमोजी। तो देखिए इमोजी तो पहले भी थे इसमें, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि उन इमोजीज में 157 न्यू इमोजी ऐड किए हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इमोजी ऑन कैसे करते हैं। देखिए इमोजी ऑन करने के लिए आपको दबाना है विंडोज़ प्लस पीरियड, ठीक है, और फुल स्टॉप जो होता है उसको दबाइएगा तो एक इमोजीज खुल के आते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा इमोजी का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अगर आप यूज़ करते हो तो मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि इनमें जो है 157 न्यू इमोजी ऐड हुए हैं। अब कौन से न्यू ऐड हुए ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो देख पा रहे हो यहाँ से कि इतने सारे इमोजीज हैं, इनमें से 157 न्यू इमोजी ऐड हुए हैं। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन कौन से नए हैं अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं इसको, तो ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जो था यही था इनके जो लेटेस्ट अपडेट जो आ रखा है विंडोज़ 10 का, उनमें यही फ़ीचर्स हैं। जो सारी फ़ीचर्स मैंने लगभग कवर कर दी है, दो चार जो फ़ीचर बचे हुए होंगे मान लीजिए वो मैं आगे अगर हो पाए तो वीडियो बना दूंगा, वरना आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी मतलब जो भी नई चीज़ें होती है उनका वीडियो बना देता हूँ और वीडियो आपके साथ आपके सामने लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।